गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जिसमें हमने पहले राइस रख दिए हैं बनने के लिए। इसे हम हाफ कुक करेंगे, 80% तक कुक करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। जिसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डाल रहे हैं। ये क्या है? मोटी इलायची। मोटी इलायची, दालचीनी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो था गर्म मसाले में यूज है, फूल कोई सा। ये लौंग थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी से मैरिनेशन में डालेंगे। ये छोटी छोटी इलायची, काली मिर्च वगैरह कुछ ना, और कुछ नहीं, यही डलेगा, बस यही डलेगा, तेज पत्ता वगैरह भी नहीं, और हल्का सा नमक डालेंगे। बाकी हमने चिकन मैरिनेशन में भी डालना है, हल्का सा नमक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो देसी घी डाल लीजिए थोड़ा, या रिफाइंड डाल लीजिए, बस गाय भैंस हैं जिससे चावल थोड़े अलग अलग हो जाए। और इसे कितनी देर पकने देना है? इसे हार्डली 15 से 20 मिनट रखेंगे। सिम पे ओके। बीच बीच में आकर आप लोग चेक भी करते रहिएगा, हिला के कहीं ज्यादा ओवर कुक्ड ना हो जाए चावल हमारे। अभी तो कसर है हमारे चावल, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं हमारे चावल 60 से 70% कुक्ड हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम अपनी चिकन मैरिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं दही, रेडीमेड दही यूज कर रहे हैं। आप लोग के घर में होममेड दही हो गया वो भी यूज कर सकते हैं। दही, नमक, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, कैच का बिरयानी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन हमने वॉश करके रखा हुआ है, ये मैरिनेशन में डाल देंगे। प्याज का हम गोल्डन फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। ये डाली इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज, अब ये सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और इधर बन रहे हैं मेरे चने, बीच बीच में हिलाते रहे ताकि जल ना जाए। टमाटो ऐड करेंगे हम इसमें, देख रहे हैं आप जैसे कि टमाटर और प्याज ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे मैरिनेट वाला, ऐसे पोंछ पाछ के जरूर डालें, इसे वेस्ट ना करें, उसे अच्छे से चला लेते हैं ताकि मसाला सब में अच्छे से कोट हो जाए। इसको कर देते हैं बंद थोड़ी देर। हम इसमें राइस ऐड करेंगे, अब डालेंगे इसमें ये भुने हुए प्याज की लेयर, अब डालेंगे इसमें धनिया,
हल्का सा हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। दो कलर लेके आए हो? ये हमने सेकंड लेयर भी रेडी कर दी है और अब उसके ऊपर भी फूड कलर डाल रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ चावल का पानी डालेंगे, ये वही पानी है जो हमने पहले चावल को बॉईल करने के लिए यूज़ किया था। दो चम्मच घी के, अब बाकी का प्याज और धनिया सब कुछ इसमें पूरा डालकर इसको फिर थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। मीन्स ऑलमोस्ट ये रेडी है, बस 5-10 मिनट थोड़ा और जो चावल में कसर है वो पूरी हो जाए, बस उतनी ही देर हमें इसे रखना है। अब सबने खाना शुरू कर दिया है तो इसी के साथ अब व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।